हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 6 कर रहे हैं और इसमें हम मैक्सवेल इक्वेशन करने जा रहे हैं। तो आज आप क्लासरूम भी देख सकते हैं, जिस क्लासरूम में बैठे हुए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आज हम करेंगे ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं और जैसे जैसे हम 4 इक्वेशंस करेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस कर लेंगे उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हर एक इक्वेशन के साथ। तो देखते हैं आज हम कितना करते हैं। तो पहले हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन लिख लेते हैं कि किन 4 इक्वेशंस को हमें ड्राइव करना है। और इस डेरिवेशन से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है जो ये हम 4 इक्वेशंस यहाँ पर ड्राइव करेंगे पहले से नोन नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ते थे। मैक्सवेल ने क्या किया, इन चारों इक्वेशंस को जो अलग अलग थी, एक तो उनको एक साथ जोड़ने का काम किया कि ये चारों इक्वेशंस हमें क्या क्या चीज़ें बता सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इनको कंबाइंड किया और साथ में जो मैक्सवेल 4th इक्वेशन है वो एम्पियर सर्कुलर लॉ से आई है और सर्कुलर लॉ जो पहले था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया मैक्सवेल के द्वारा और मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई करके नेक्स्ट या एम्पियर सर्कुलर लॉ या मॉडिफाई सर्कुलर लॉ बनाया और उससे फिर मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव किया। तो पहले 4 मैक्सवेल इक्वेशंस देख लेते हैं, कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशंस हमें पढ़नी है। तो देखिए फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, या हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डी इक्वल टू रो। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो और डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। थर्ड है कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी और डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। और लास्ट है कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सब वेक्टर फील्ड से, इनके ऊपर वेक्टर साइन बनाना होता है और डेल भी हमारा वेक्टर है तो उस पर भी वेक्टर साइन बनाएंगे। फिर जहाँ पे डी क्या है आपका, डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ इन फ्री स्पेस। और बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जे है करंट डेंसिटी। और बी और एच में क्या रिलेशन होता है, बी इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव करते हैं। जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज अ 1/ε0 टाइम्स ऑफ अ चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस, दैट इज ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन में इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या है, जो चार्ज है क्यू एक साइड इंटीग्रल फॉर्म में है हमारा ई डॉट डी एस और एक साइड हमारे पास इंटीग्रल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे और चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में चार्ज हो जाएगा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इक्वेशन रो डी वी। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसमें ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई इंटीग्रेशन के अंदर डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी। और एप्सिलॉन नॉट ई को हम डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी और इसको हम डी लिख सकते हैं। तो डी यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई तो हमने इक्वेशन में रखा, तो इंटीग्रेशन एस डी डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी इक्वेशन 3 आ गया। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, एक साइड सरफेस इंटीग्रल है, एक साइड वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टू मैक्सवेल इक्वेशन यानी मैक्सवेल इक्वेशन 1 एंड मैक्सवेल इक्वेशन 2 में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होती है और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं यूजिंग डाइवर्जेंस। ठीक है, नाउ यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल वी कैन इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस डी डॉट डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस डी डॉट डी एस। तो डी डॉट डी एस को हम डाइवर्जेंस डी डी वी लिख सकते हैं। इक्वेशन 4, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस डी डॉट डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी। तो दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल है तो वॉल्यूम इंटीग्रल रिमूव हो जाएगा, तो
तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो और डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन किससे आई थी? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी वही है कि तो दिस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट या टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू द सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज विद इन द वॉल्यूम। हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। जो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। और गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं हम उनको सेपरेट, या मैग्नेट में हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो अगर किसी सरफेस के अंदर हम मैग्नेट रखते हैं तो जितना फ्लक्स इनवर्ट है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ट होता है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स द आइसोलेट मैग्नेटिक मोनोपोल है ना, तो हम इसको मोनोपोल्स भी बोल सकते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते या आइसोलेट मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट और मैग्नेटिक इंडक्शन अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो फ्लक्स जो पास होगा किसी सरफेस से वो जीरो हो जाएगा, जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स वापस अंदर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन एस पी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। तो ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो बी डॉट डी एस को हम डाइवर्जेंस लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस बी डॉट डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस बी डॉट डी एस इक्वेशन टू। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा डाइवर्जेंस बी डी वी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। तो डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो आ गया। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स ऑफ कंटिन्यूअस इन नेचर, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फ्लक्स एंटरिंग इनटू एनी रीजन इज इक्वल टू लाइन ऑफ फ्लक्स लीविंग इट, और मैग्नेटिक पोल्स या कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो मैग्नेटिक पोल्स को आइसोलेट या सेपरेट नहीं किया जा सकता है। डेरिवेशन ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आई। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। तो प्रोपोर्शनल की जगह हमने इक्वल लगाया, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के आता है जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए वन ले लेते हैं। तो ई इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन फ्लक्स की वजह से, उसको हमने ई से डिनोट कर दिया, स्मॉल ई से। बट मैग्नेटिक फ्लक्स बी, जो लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या होता है? बी डॉट डी एस होता है। तो फ्लक्स क्या होगा? बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस बी डॉट डी एस। इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट की तो ई इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी इंटीग्रेशन एस बी डॉट डी एस। ईएमएफ में भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू हो जाता है सी ई डॉट डी एस। तो ईएमएफ के हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गए और दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर देंगे, और ये दोनों ऑपरेटर है, एक डी बाई डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, दोनों इंटर ऑपरेटर कैन बी इंटरचेंज, तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब ये डी बाई डी टी इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी टी को अंदर लेके चले जाएंगे तो ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी बी बाई डी टी डी एस। एक साइड लाइन इंटीग्रल है, एक साइड सरफेस इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हम स्टोक थ्योरम यूज करते हैं, और बाद की दोनों मैक्सवेल इक्वेशंस में हम स्टोक थ्योरम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो यूजिंग स्टोक थ्योरम टू चेंज लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन सी ई डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन एस कर्ल ई डॉट डी एस। अब ये वैल्यू इक्वेशन फाइव में पुट कर देंगे इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा? कर्ल E dot ds equal to minus integration dB over dt ds।
दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और कर्ल ई को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इस इक्वेशन का, कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डी बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसके बराबर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर में। ठीक है, तो दिस इक्वेशन सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको बी म्यू नॉट एच भी लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इक्वेशन ये सिग्निफाई करती है। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन एम्पियर्स लॉ से आई। अब इस इक्वेशन के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हम दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम स्टार्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन दिखाएंगे, फिर हम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन दिखाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो मैक्सवेल या कह लीजिए जो एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई है उससे स्टार्ट करके हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, या जब चारों इक्वेशन एक साथ आती हैं उनके साथ तो आपका चलेगा, लेकिन जब अकेले मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पूछी गई है, जो पूछी जाती है या पूछी जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको फिर वैसे ही करिएगा जैसे मैं कल करा रही हूँ। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई एम्पियर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फॉर अ क्लोज सर्किट और लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ अ टोटल करंट क्लोज बाय द लूप। तो टोटल करंट, हम वहाँ पे सिर्फ कंडक्शन करंट की बात करते थे एम्पियर्स लॉ में, बट मॉडिफाई में हम क्या कहते हैं कि बी डॉट टी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करके दिखा रहे हैं। तो ये टर्म कैसे ऐड हुई वो हम फिर कल सीखेंगे, है ना। तो कल वाला लेक्चर यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा कि फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन, ये म्यू नॉट नीचे लेके गए, तो म्यू नॉट नीचे आए तो बी अपॉन म्यू नॉट डी एल इक्वल टू आई प्लस आई डी। हम जानते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, तो एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट होगा, तो हम इसकी जगह एच रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एच डी एल इक्वल टू आई प्लस आई डी। एक साइड इंटीग्रेशन, एक साइड इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इस करंट को भी इंटीग्रेशन की टर्म्स में ले जाएंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, तो करंट डेंसिटी की टर्म्स में लिख लिया। तो I इक्वल टू कंडक्शन करंट की टर्म्स में, आई डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म्स में, तो ये यहाँ पे जे डी आएगा। जे डी नहीं लिखा है, इसको जे डी कर दीजिएगा। आई डी इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी डी एस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो I और आई डी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, I और आई डी का वैल्यू जो पुट किया, तो इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन जे प्लस जे डी डी एस। तो एक साइड लाइन इंटीगल, एक साइड सरफेस इंटीगल है। मैंने अभी आपको बताया था कि लाइन इंटीगल को सरफेस इंटीगल में चेंज करेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में भी। तो यूजिंग स्टोक थ्योरम लाइन इंटीगल कैन बी चेंज इनटू सरफेस इंटीगल। कर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ल एच डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल एच डी एस। इक्वेशन थ्री और फोर से, यानी कि कर्ल एच डॉट डी एल की वैल्यू इक्वेशन फोर से और इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे। तो कर्ल इंटीग्रेशन कर्ल एच डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट जे प्लस जे डी डी एस। दोनों साइड सरफेस इंटीगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस जे डी, और जे डी की वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, जे डी इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का लेक्चर वीडियो लेक्चर है उसके अंदर, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। तो ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब ये क्या सिग्निफाई करती है, ये सिग्निफाई करती है कि जो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, कंडक्शन करंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर दोनों से प्रोड्यूस होती है चेंज इन, ठीक है। तो दिस सिग्निफाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बोथ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या है, टाइम वेरिंग फील्ड, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और कहीं समझ में नहीं आए तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगी, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट किया है, वहाँ पे हम एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट करके उसमें
क्या कमी थी वो बता के, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म ऐड करके, फिर हम उसको तब आगे लेके जाएंगे। तो कल का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू, ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।